हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हमारी शादी को 9वीं वर्षगांठ है, जो हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी और हमारे साथ हमारे दो छोटे छोटे बच्चे और हमारे ये बेस्ट एनिवर्सरी है। ये 9 सालों की ये पर्व है और ये क्या कहते हैं, दिखाओ चेहरा, दिखाओ सबका। और ये इनकी बड़ी दीदी है और ये हमारी आंटी है और माँ जैसी आंटी है, माता जी है। और ये हमारी सबसे अच्छी ये है राजमाता बुआ जी। मैं आज बहुत खुश हूँ और बस हमें ये जिंदगी में ये दोबारा से ये हर बार ये एनिवर्सरी करने का मौका मिले, भगवान से मैं यही प्रे करता हूँ। और हमारे प्यारी सी पत्नी और इसका जीवन में बहुत ही मतलब जो जीवन मेरा जो चल रहा है वो इनकी वजह से और मेरे छोटे छोटे दो बहुत ही आनंद चल रहा है। और ऐसे ही आने वाला हर दिन, हर पल, हर साल आपके साथ हम दोनों का साथ ऐसी बना रहे और हर साल हम दोनों 90 साल तक साथ में एनिवर्सरी मनाएं। नो, मेरा तो टारगेट है लगभग 125। हाँ, 125 ईयर्स नहीं बाबू, हम तो सुनने लगेंगे फिर ना ब्यूटी चली जाएगी। कोई बात नहीं, ब्यूटी इस तरीके का तो ना सोना ही है, तो फिर इससे डरना क्या। लेकिन जितनी भी जिंदगी अगर आप बिताएं उतनी बड़ी खुशहाली से और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। हमेशा हर पल साथ रहे, जीवन का ये बंधन मुझे मालूम है एक दिन ये टूटेगा, लेकिन जब तक है तब तक ऐसे रहो जैसे कि पतंग से डोर अगर दूसरे से बने रहते हैं तो खत्म बस। एक गाना अच्छा लगा ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना मिले हम झलक उठा खुशी का कुआं, क्या कहना मन भी देख से रहो बस। ओके आंटी जी, फिर थोड़ा इधर कीजिए। हाँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। बहुत प्यार करती हैं हम लोग। पहला के बेस्ट एनिवर्सरी है ये, क्योंकि इस बार हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये अनमेश्री ऊपर बैठे हैं मेरे पापा जी के आराम फरमा रहे हैं अच्छी तरीके से एकदम।
अन्य को कोई कुछ नहीं खिला रहा। तो गाइज़ यही था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन जो कि हमने घर पर ही किया था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।